आप भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड की टीम रोमांच से ज्यादा बारिश का कहर देखने को मिला। इन दोनों टीमों के बीच दो सीरीज खेला गया जिसमें से T20 सीरीज भारत ने अपना नाम किया तो वहीं ODI सीरीज न्यूजीलैंड ने अपना नाम किया। साथ ही दोस्तों यदि न्यूजीलैंड की टीम थर्ड ODI में यदि और दो ओवर खेल जाता तो इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता। आखिर दोस्तों इस सीरीज के दौरान शिखर धवन क्यों क्रोधित थे उसके बारे में बताएंगे, साथ ही इस मैच के पूरे हाईलाइट के बारे में बताएंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और शिखर धवन कौन है बेहतर कप्तान, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में हेगल ओवल में खेला गया तीसरा वनडे मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 47.3 ओवर में 219 रन का स्कोर पर ही सिमट गए। वाशिंगटन सुंदर ने अर्धशतकीय पारी खेली जबकि श्रेयस अय्यर ने 49 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 18 ओवर में एक विकेट खोकर 104 रन बना लिए थे। डेवन कॉनवे 38 रन बनाकर और कप्तान केन विलियमसन बिना खाता खोले क्रीज पर थे। फिन एलन 57 रन बनाकर उमरान मलिक की गेंद पर आउट हो गए थे। इसके बाद बारिश के कारण खेल संभव नहीं हो पाया। दूसरा वनडे भी बारिश के कारण रद्द करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने सीरीज 1-0 से अपना नाम कर लिया। तीसरे वनडे में अगर दो ओवर और हो जाते तो न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती। किसी भी वनडे मैच में फैसला होने के लिए दोनों पारियों में कम से कम 20-20 ओवर का खेल होना जरूरी होता है। खेलों के जाने के समय कीवी टीम DLS के तहत 50 रन आगे थी लेकिन 20 ओवर में पूरे नहीं होने के कारण नतीजा सामने नहीं आया। तीसरे वनडे में टीम इंडिया हर मोर्चे पर फ्लॉप रही। बल्लेबाजी में वाशिंगटन सुंदर और श्रेयस अय्यर के अलावा कोई भी अच्छी पारी नहीं खेल सका। इसी तरह 18 ओवर की गेंदबाजी में भारत का कोई बॉलर खास प्रभाव नहीं डाल सका। अगले ओवर में ग्रॉसी विकेट पर टीम इंडिया पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी। कीवी गेंदबाज उसे नियमित अंतराल में झटके देते रहे और टीम इंडिया बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। केवल श्रेयस अय्यर और वाशिंगटन सुंदर ने कुछ समय क्रीज पर अपना टाइम बिताया। इसके साथ ही और भी जितने भी बल्लेबाज थे वो बहुत ही जल्दी और कम स्कोर पर आउट हो गए। हालांकि दोस्तों शिखर धवन का गुस्सा भी जायज है क्योंकि जहां T20 सीरीज में दो मैच रद्द कर दिए गए थे बारिश की वजह से तो वहीं ODI सीरीज में भी यही हुआ। यहां भी दो मैच बारिश के कारण रद्द हो गया और इस तीसरे ODI मैच में बारिश से रद्द हो जाने से भारत को सीरीज में बराबरी करने का मौका नहीं मिला। साथ ही दोस्तों आपको क्या लगता है इतनी कम स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम से जीत जाती इंडिया, कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।